मान्यवर कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि एफआईआर हुआ या नहीं हुआ, क्या करी है, कितने पकड़े गए। मान्यवर 25 तारीख की रात से 26 एक एहतियात के तौर पर हमने गंगा और न भड़के इसके लिए राह देखी। 27 तारीख से आज तक 700 से ज्यादा प्राथमिकी दर्ज की गई है, 700 एफआईआर हमने दर्ज की। ओवैसी साहब कह रहे थे कि जैसे एक ही कम्युनिटी के लोगों पर संकट है, मगर ये दोनों कम्युनिटी के लोगों पर है और ऐसे मुझे लगता है सदन में भाषण नहीं करना चाहिए। टोटल 2647 लोग, 2647, अभी कह रहे थे 1100 एक कम्युनिटी के पकड़े गए, तो 2647 लोग हिरासत में लिए गए हैं या अरेस्ट किए गए हैं। सीसीटीवी और वीडियो फुटेज का डिटेल 25 से ज्यादा कंप्यूटरों पर एनालिसिस हो रहा है। हमने एडवर्टाइज देकर समग्र दिल्ली की जनता से, समग्र मीडियाजनों से डिटेल मांगा है कि भाई आपके पास कोई भी फुटेज हो और कोई भी चीज हो तो आप कृपया इस ईमेल एड्रेस पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि दिल्ली की जनता ने हजारों की संख्या में वीडियो आइदर और साइड से दिल्ली पुलिस को भेजे हैं और अंकित शर्मा का खून का भेद भी मुझे आशा है वो ही वीडियो में से बाहर आने वाला है मान्यवर, जो वीडियो किसी नागरिक ने देखा है। ये कह रहे हैं क्या किया, इसलिए मैं कह रहा हूं फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा ये सारे फेस को पहचानने की प्रक्रिया चालू कर दी। ओवैसी साहब ने यह भी कंसर्न व्यक्त करा, हालांकि एक ही कम्युनिटी के लिए किया, कि निर्दोष न पकड़े जाए। ओवैसी साहब ये सॉफ्टवेयर है, वो धर्म नहीं देखता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो कपड़े नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ चेहरा और कृत से देखता है और चेहरा और कृत से देखकर उसको पकड़ा जाए। 1100 से ज्यादा मान्यवर वो सॉफ्टवेयर के अंदर हमने वोटर आईडी कार्ड का डेटा डाला है, ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा डाला है और भी सरकारी डेटा जो था वो सारा अंदर डालने का काम किया है। इससे 1100 से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और मैं इसमें बताना चाहता हूं 300 से ज्यादा लोग यूपी से आकर यहां दंगा करने के लिए आए थे, वो यूपी से हमने जो डेटा चेहरों का मंगाया इससे स्पष्ट साबित हो गया है, जो बताता है कि ये गहरी साजिश थी। क्योंकि अब मुझे बोलने दो ना। और 24 तारीख को मान्यवर 24 तारीख की रात को 10 बजे यूपी की बॉर्डर सील कर दी गई। सबसे पहला काम यूपी की बॉर्डर सील करने का करा था, उसके बाद भी 300 आप वकील मत बनो इनके। मानिए मान्य सदन में सुनकर जाओ पूरी बात। रखों से बोलिए, बारे ने सब चट्टी शुरू से पहले ही रखों से बोलिए, भाषा मार बोलिए। मान्यवर they did not allow the house to function on the same issue, and now honorable home minister is replying they are walking out, they do not want to listen because they do not have the courage to listen what is the fact and how it was controlled. This is the hypocrisy of the Congress party. Main mananiya sadasya agrah karunga ki aap jis vishay par charcha mang rahe the usme mananiya grahmantri jawab de rahe hain, aap sadan mein puri baat ko sunkar jaye mananiya grahmantri ji। ये
सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये परंपरा उचित नहीं है। इतने संवेदनशील विषय पर चर्चा मांगना, चर्चा के समय अपने मुद्दों को ठीक प्रकार से कहते हुए जो जो सरकार को कोसना है वो सब बातें कहना, वो उनका अधिकार है। और जब सम्माननीय गृहमंत्री जवाब देने के लिए आते हैं तो उनका जवाब नहीं होने देना और कारण न होते हुए भी सभात्याग करके चले जाना, ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है। विरोध करना चाहिए। जब आप बात कहते हो तो दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। ये लोकतंत्र का सही अर्थ में स्पिरिट है, ये बात ठीक नहीं है। कभी ना कभी आपने भी इसका कॉग्निशंस लेकर इन लोगों को इस बात को समझाना चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं दादा, मैं बोल रहा हूं। माननीय, मैंने कहा फेस आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने 1100 से ज्यादा लोगों का फेस आइडेंटिफाई कर दिया है, उनकी पहचान कर ली गई है। 40 टीमें बनाई हैं, 40 टीमें जो इनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया में आज दिन रात लगी है। माननीय, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से दिल्ली की जनता और देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार आइदर और साइड से किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेगी जिसका इस दंगों के अंदर रोल। और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हम एक पूरी कार्यवाही कर रहे हैं। साक्ष्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं, बयान भी वीडियोग्राफी के सामने दर्ज कर रहे हैं। पूरी चिंता हम कर रहे हैं कि किसी निर्दोष को कहीं पर भी कोई तकलीफ न हो।